जनरली का जो पंक्चुएशन को क्लासिफाई किया जाता है वो पॉजेस में किया जाता है और मार्क्स में किया जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजेस, तो पॉजेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो पहले फुल स्टॉप, साइन इज देयर, कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन, बड़े फेमस पॉजेस, और इनके साथ फिर हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस जिसको ब्रैकेट कहते हैं, कैरेट एंड अपोस्ट्रोफी. ये चीजें जो है हाईलाइट की जाती हैं. मैं पहले पॉजेस को डील करूंगा, देन आई विल टॉक अबाउट कि जी हम फिर मार्क्स की बात करेंगे. फुल स्टॉप कहां लगाया जाता है, सेमी कॉलन और कॉलन कहां लगाया जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस विद. फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस वेयर सेंस इज कंप्लीट, जहां सेंस कंप्लीट होती है. तो सेंस कंप्लीट होती है जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस में बात करते हैं, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड. अब यहां पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, बात मुकम्मल हो गई. Likewise, जब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं whom do you want to see? तो इंट्रोगेटिव साइन में भी देखें कि फुल स्टॉप आ रहा है और फिर न्यू लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा. तो फुल स्टॉप हम लगाते हैं एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस वेयर सेंस इज कंप्लीट. इसका मतलब है कि ये एक लॉन्गेस्ट पॉज है और सेंटेंस जहां पे मुकम्मल होता है वहां पे ये लगाया जाता है. इवन के कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां भी फुल स्टॉप लगाया जाता है.